हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। यूजीसी नेट दिसंबर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, नेट का एग्जाम जो है वो डिक्लेयर्ड है। 6 तारीख से आपके एग्जाम होने वाले हैं दिसंबर में। और चूंकि डिफरेंट फेजेस में आपके एग्जाम होते हैं, तो हो सकता है आपका दूसरे या तीसरे फेज में एग्जाम हो, वो एक अलग बात है। लेकिन आप अपना माइंड सेटअप ये बना के रखिए कि 6 तारीख से ही आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। जो फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है आज, क्योंकि 3 नवंबर है। और आज ही आपकी जो करेक्शन विंडो है वो भी क्लोज होने वाली है। रात को 11:59 तक आप अपना जो भी फॉर्म का करेक्शन है वो कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अब ये वाइंड अप हो जाएगा, अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा। अब ये बात आ जाती है कि आपकी डेट शीट जो है वो 10 या 15 दिन पहले आ जाएगी एग्जामिनेशन की डेट के, ताकि आपको आपका डेट पता चल जाए, फेजेस पता चल जाए, और साथ ही साथ में आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर आया है वो पता चल जाए। तो ये तो रहा एनटीए की साइड से जो काम किया जाने वाला है, वो तो आपको उनकी तरह से जो स्मूथली होता है वैसे ही होगा। आपके एडमिट कार्ड 2 या 4 दिन पहले ही आएंगे, जो भी आपका जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उस डेट के 2 या 4 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड इशू किए जाएंगे। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आ जाती है कि आपको प्रिपरेशन करनी है। तो पढ़ाई तो आपने कर ली, लेकिन अब बात आ जाती है कि जो भी आपका टारगेट है, आपका नेट लेक्चरशिप के लिए टारगेट है या जेआरएफ के लिए टारगेट है, उसको अचीव आपको करना है। तो देखिए, थ्योरी आपने पढ़ी है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चंस पता हों कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, कैसे ऑप्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें आंसर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम किस तरीके से आंसर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं 4 ऑप्शन में से, ये आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया कि आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। तो कोई बुक आपको परचेस कर लेनी चाहिए जिसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हों। एक बुक मैंने आपको सजेस्ट करी थी ओसवाल पब्लिकेशन की, उसको मैंने आपको बताया था, इसमें 13 सालों के क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसको आप खरीद सकते हैं। अगर अभी तक आपने नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। लेकिन इसके अलावा फ्री मॉक टेस्ट आपको एनटीए की साइट पर मिल जाएंगे, जो नेशनल अभ्यास पोर्टल है उसमें भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे। और इसके अलावा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको दूं, यही मेरा टारगेट है सीरीज़ के माध्यम से, जिसमें मैंने पेपर 1 और जो हमारा पेपर 2 है एजुकेशन उसके लिए, तो कल से मैंने स्टार्ट किया है। तो आपको MCQ के नाम से वहाँ पर सीरीज़ मिलेगी, जिसमें मैंने कल पहली जो वीडियो है वो मैंने अपलोड करी थी, जिसमें जो हमारा एजुकेशन हमारा सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट यूनिट है एजुकेशनल स्टडीज़, उसकी हमने फर्स्ट वीडियो करी थी। और अब मैं उसी तरह से आगे बढ़ती जाऊंगी पेपर 1 के लिए और पेपर 2 के लिए। तो अभी तक अगर आपने नहीं हमारे साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ में एजुकेशन से संबंधित और पेपर 1 से संबंधित बहुत सारे वीडियोस लेक्चर मिल जाएंगे, जिसमें कंप्लीट सिलेबस मैंने कवर किया है। तो अभी तक अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और इन सीरीज़ के माध्यम से क्वेश्चन साथ ही साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं दूंगी, ताकि उससे जुड़े हुए, उसके ऑप्शन से जुड़े हुए अन्य कोई अगर आपको प्रश्न आते हैं तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकें। तो हमारे साथ जुड़कर अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये नोट्स होता है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देती हूँ। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि टेलीग्राम चैनल नहीं समझ में आता, नहीं मुझे आप उसको फाइंड कर पाते हैं। तो देखिए, आप अगर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलेंगे ना, जैसे ही आप वीडियो के नीचे जो 3 डॉट्स होते हैं उसको आप क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाता है, उसमें आपको लिंक मिल जाती है। तो सारी ही लिंक आपको मिल जाएगी, इस ओसवाल पब्लिकेशन की जो बुक है आप जिसे मंगा सकते हैं उसकी भी लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ में मेरे अन्य जो जिसमें मैं अवेलेबल रहती हूँ, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टेलीग्राम है, उसकी लिंक भी मिल जाएगी। आप डायरेक्ट उससे टेलीग्राम पर पहुँच सकते हैं, जहाँ पर मैं नोट्स डाल देती हूँ। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, आप नहीं जा पाते हैं, तो ये जो दिया हुआ नंबर है जिसमें मैं हर बार फ्लैश करती रहती हूँ, इस पर आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर दीजिए, और इस मैसेज को रिप्लाई करते हुए मैं टेलीग्राम की लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन मैंने कहीं ऐसे भी नहीं उठाए हैं, ये सारे ही क्वेश्चन आपके पिछले साल जो 2023, 2022, 2020 में जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हीं से उठाया है मैंने ये क्वेश्चंस को। तो इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि एकमात्र तरीका है नेट क्लियर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रश्न सॉल्व करें। तो यही था आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी, और इसके अलावा आपके कोई भी सुझाव हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है बहुत सारी जो हमारी वीडियोज़ हैं उनकी, तो एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा इन वीडियोज़ से, आपकी बहुत मदद होगी, और आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। मिलती हूँ बहुत जल्द
नेक्स्ट वीडियो में जो कि हमारा एजुकेशन का वीडियो है. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए. दिस इज़ मोनिशा साइनिंग ऑफ. बाय बाय.